मेरा नाम प्रियांशु मित्रा है, मैं रविंद्रनाथ वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने अप्रैल 2 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन करा था शर्मा एजुकेशन में। तो इससे पहले मैं कहीं भी ट्यूशन नहीं गया था, तो ये मेरा फर्स्ट ट्यूशन था। तो फिर मैंने शर्मा एजुकेशन में ज्वाइन करा, तो पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि पहले मैं कभी ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा, कभी पढ़ा नहीं, तो नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पर फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तो मेरे को लग रहा था कि ट्यूशन जाके मैं जाने का मन नहीं करेगा मेरे को, और फिर मेरे को मन नहीं लगेगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। पर मेरी सारी चीज़ें बदल गई एकदम से ट्यूशन जाके मैं और ज़्यादा पढ़ने का मन कर गया। और मेरा पहले तो मेरे थोड़ा अजीब लगा, और उसके बाद सर ने इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया, फिर मेरा और आने का मन कर गया ट्यूशन। और दूसरी चीज़ है कि जो शर्मा सर है, उनका मेन मोटिव ये नहीं कि हमको उनको पढ़ाई करवानी है, उनका मेन मोटिव है कि हमको एक अच्छा इंसान बनाना है। और खाली पढ़ाई नहीं है उनका मेन मोटिव, उनका है कि हमको एक अच्छा इंसान बनाना है। और शर्मा एजुकेशन बाकी ट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि एक तो क्या है कि यहाँ पे ना इस जगह पे गलत फहमी है कि शर्मा एजुकेशन में बहुत बच्चे आते थे, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, पर मतलब ऐसे लोग सोचते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि जबकि यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे आते सर के पास, पर तभी भी सर हर एक बच्चे पे ढंग से फोकस कर पाते हैं, और सर को पता होता है कि कौन से बच्चे का स्टैंडर्ड कितना है और उसको कितना सपोर्ट करना है ताकि वो एक अच्छा स्टूडेंट बने आगे जाके। और सर इसके साथ साथ हमको अलग अलग टॉपिक पढ़ाई के अलावा भी और काफ़ी चीज़ों पर सर हमको गाइड करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों के बारे में सर हमको अच्छी नॉलेज देते हैं, और हमको गाइड करते हैं, और हमको अपनी लाइफ के बारे में भी सर हेल्प करते हैं। और अगर हम लोग सर से कोई भी प्रॉब्लम शेयर करें, तो उस पर भी सर हमको अच्छे से गाइड करते हैं। सर एक हमारे रिलेटिव की तरह ही होते हैं, खाली उन सर से हमारा एक फॉर्मल रिश्ता नहीं है, एक इनफॉर्मल रिश्ता भी होता है सर से। और सर का क्या है कि जो सर का जो घर है हमेशा ओपन रहता है, आपको जब मर्जी जाना आप जा सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कितने बजे भी हो, सर को आप जब जाओगे सर वैसे के वैसे मिलेंगे, और आपके सारे डाउट जो है क्लियर करेंगे। तो क्या है कि जो शर्मा एजुकेशन है ना, वो बाकी ट्यूशन से अलग है, यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे आने में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे बाकी ट्यूशन तो हो जाएगा, तो लाइफ में ट्यूशन तो बहुत होते रहते हैं और उसमें पढ़ाई तो हो जाती है, पर शर्मा एजुकेशन में एक अलग चीज़ होती है, पढ़ाई से बढ़कर तुम एक अच्छे इंसान बन पाते हो यहाँ के, और तुमको और चीज़ों पे भी अच्छी नॉलेज मिल पाती है। मैं पक्का तो जितने भी अभी बच्चे जो अभी 9th में गए हैं, उनको तो पक्का रिकमेंड करोगे तो एक बार तो शर्मा एजुकेशन आओ, आप पढ़ के देखो। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमको अच्छा लगे ना लगे, पर तुमको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए यहाँ आके, और मेरी तो गारंटी है कि तुमको अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेरे को खुद अच्छा लगा है। जब मैं पहले कभी ट्यूशन गया नहीं, तभी भी मैं यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा है, तो तुमको भी पक्का अच्छा लगेगा ही शर्मा एजुकेशन। सर ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तो कोरोना का सीन हो रखा है, तो तुम लोग घर पे बैठ के तो फिर कहीं जा नहीं रहे ट्यूशन वगैरह, और यहाँ पे आ नहीं सकते अभी। तो सर का क्या है, यूट्यूब चैनल फॉलो करो, उसमें देखो वीडियोस, और वहाँ पे सर जैसे यहाँ पढ़ाते सेम वहाँ पे भी वैसे ही पढ़ाते, कोई डिफरेंस नहीं है, और वहाँ पे भी तुमको बढ़िया ही लगेगा यूट्यूब चैनल सर का। और कुछ भी डाउट हो तो सर को तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर तुम्हारे सारे डाउट अच्छे से क्लियर करेंगे। और उससे ज़्यादा दिक्कत है तो सर को फ़ोन कर लेना सर, और अच्छे से क्लियर कर देंगे। पर देखना ज़रूर वीडियो।